कि शायद आफरीदी जो है वो पीएसएल में अपना आखिरी मैच खेला है, कैसे देखते हैं? फैन फॉलोइंग आपकी सबसे ज्यादा है जितने प्लेयर्स खेल रहे होते, तो क्या कोई जहन में फैसला बना लिया है या यू विल स्टिल बी प्लेइंग क्रिकेट? एक बात है, लास्ट पीएसएल अगर देखा जाए, उससे पहले वाला पीएसएल देखा जाए, तो 2 साल मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट मिस किया और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक दफा लाजमी अपने क्राउड के सामने खेलना चाहता हूँ। और किस्मत मेरी ये अच्छी थी कि लाहौर से मैच शिफ्ट होकर कराची हुआ और हम लाहौर ही खेल रहे थे आखिरी मैच राउंड का। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि कराची के अंदर मैच हुआ अपने लोगों के सामने, उस शहर के अंदर जिसमें पहले बड़े मैं, कि आप सब लोग मेरे सामने, मैं आपके सामने बढ़ा हूँ। और उसके बाद आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि चलो टूर्नामेंट तो ख़त्म हो चुका था हमारा, और जिस तरीके से आज के मैच की कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी, उसके बावजूद वर्किंग डे में स्कूल था बच्चों का, इसके बावजूद सारे क्राउड आया, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा शहर या हमारा मुल्क कितना क्रिकेट को मिस कर रहा है। तो मैं तो हमेशा से क्रिकेट क्रेडिट देना चाहूँगा जितने भी ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं, जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी कि पाकिस्तान में जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, वो इन्हीं प्लेयर्स की वजह से, ये इन्हीं प्लेयर्स की सपोर्ट की वजह से क्रिकेट वापस आई है। वो कहाँ देखते हैं वर्ल्ड कप में, उनकी क्या स्टैंडिंग हो सकती है? बड़ा टफ कंपटीशन है, आपको पता है कि 9 मैच पाकिस्तान ने खेले, तो आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान इंग्लिश कंडीशन नो डाउट। देखिए हमारी बॉलिंग जो है, मैं ये समझता हूँ कि हम थोड़ा सा पेस को मिस कर रहे हैं, पेस हमारे पास थोड़ी सी होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश कंडीशन जिन महीनों के अंदर वहाँ पे हो रहा वर्ल्ड कप, थोड़ा पिचेस बहुत जबरदस्त होती है, टिपिकल इंग्लिश पिचेस नहीं होती, इंग्लिश कंडीशन नहीं होती वहाँ पे। बैटिंग हमारा मेन कंसर्न हमेशा से बैटिंग रहा है। बैटिंग अगर हमारे अच्छे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस वक्त जो हमें पीएसएल ने जो प्लेयर्स दिए हैं जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान टीम स्टैंड करती है, अभी जितने भी 3-4 प्लेयर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान टीम की बैकबोन बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चले और मिकी अपने आप को थोड़ा ड्रेसिंग रूम के अंदर रिलैक्स रखे, तो बहुत हेल्प की बोल रही है। जब आप एक टीम हारती है तो सिर्फ एक प्लेयर की वजह से नहीं हारती, सबकी परफॉर्मेंस नहीं होती जिसकी वजह से टीम हारती है, तो मलिक मैसन का बड़ा एक्सपीरियंस। तीनों के सफर जबरदस्त, तीनों के साथ बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा और बहुत मजा आया, और मेरे लिए फखर की बात है मैंने तीनों शहरों को नुमाइंदगी की उसकी, और ये मैंने अभी छोड़ी नहीं है, बता दूं तुम्हें अगला साल नहीं पता किसकी तरफ से खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे।